नमस्कार, एनसीआर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ तहसील फातिमा। हरियाणा के पानीपत जिले में 30 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय पोल खोल हल्ला बोल रैली को लेकर पूरे प्रदेश के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रदीप सिंह जैलदार और बता दें आपको प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि रैली को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। सभी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को सुनने के लिए और बीजेपी सरकार की पोल खोलने के लिए लाखों की संख्या में पानीपत पहुंचेंगे और फिर 2019 की ओर कूच करने की भूमिका तैयार की जाएगी। फरीदाबाद की मुझ पे नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं पे जिम्मेवारी है। फरीदाबाद से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे इस रैली में जा रहे हैं और सभी लोग बड़े जोश खरोश के साथ ढोल नगाड़े वाले कर लिए हैं, डीजे की गाड़ियां कर ली हैं। सब लोग ढोल बजाते हुए पोल खोल हल्ला बोल रैली में हल्ला बोलते हुए और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और फरीदाबाद की जनता दिखा देगी वहाँ पर जा करके कि फरीदाबाद के लोग कितने त्रस्त हैं, कितनी बुरी तरह आहत हैं सरकार के कारनामों से। और इसी बात को लेकर के फरीदाबाद की जनता का पूरा समर्थन हम रैली में बहुत चोट से जाएंगे। आज प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वो 30 तारीख को रविवार को सितंबर को जो हमारी पोल खोल हल्ला बोल रैली होने जा रही है उसके संदर्भ में हम सब साथियों से आप लोगों से चर्चा की। उसमें मुख्य कारण आज ये है कि हरियाणा के अंदर जब से आदरणीय अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने प्रांत के, उन्होंने 4 साल 4.5 साल कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर और इस फेलियर और झूठे वादे लेकर जो सरकार आई, जो सत्तासीन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जनता जनार्दन की और पूरे वर्ग में 36 बिरादरी में सभी धर्मों के अंदर इस बात का विश्वास उन्होंने जीता कि आज हरियाणा के अंदर जो सत्ता पक्ष है उसको किसी ने चेताया और किसी ने उसको रास्ते पर लाने के काम किया जगाने का, तो प्रांतीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी।